हेलो साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हमने हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू आलोक के मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वह चर्चा करेंगे, बात करेंगे सीटेट 2019 के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सीटेट 2019 के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि दो सीटेट 2019 की परीक्षा पुनः आयोजित होने जा रही है, जिसकी तारीख सीटेट ने निर्धारित कर दी है। वो तारीख है कि 8 दिसंबर 2019 दिन रविवार को सुनिश्चित की गई है। कब? 8 दिसंबर 2019 को जो है सीटेट की पुनः परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके फार्म की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन बिगिन की अगर हम बात करें, जो फार्म भरे जाने हैं वह फार्म भरे जाएंगे 19/8/2019 से। कब से भरे जाएंगे? जी हाँ, 19 अगस्त 2019 से फार्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर बात करें इसकी लास्ट डेट कब होगी, फार्म की अंतिम तिथि कब है, तो इसकी अंतिम तिथि है वो है 18 सितंबर 2019 को इसकी जो है अंतिम तिथि है। और फीस जो आप कटवा सकते हैं वह है 23 सितंबर 2019 को 15:30 तक आप जो है इसकी फीस कटवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अध्यापक बनने का सपना सजाए हुए हैं तो सीटेट आप क्वालिफाई कर लो, जिससे क्या होगा कि केंद्रीय विद्यालय में आप अध्यापक बन सकते हैं। और जितने भी अगर हम बात करें कि पहले 29 राज्य भारत में हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो अब भारत में जो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें एक जो हमारा राज्य था जम्मू और कश्मीर, उसको जो है अब क्या किया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दिल्ली की तरह। तो आप क्या है कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के लिए आप सीटेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अध्यापक बन सकते हैं जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं। और जहां जहां हिंदी बोली जाती है, अगर वहां का राज्य चाहेगा तो सीटेट वालों को जो है ले सकता है। और जितने भी 28 राज्यों में केंद्रीय विद्यालय हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं आप वहां पर जो है अध्यापक बन सकते हैं। नवोदय विद्यालय में आप अध्यापक बन सकते हैं। जी हां, तो आपको क्या करना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको लग जाना है दमदार तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी भाषाओं में जो है परीक्षा सीटेट कंडक्ट कराएगा, तो अगर भाषाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 भाषाओं में जो है सीटेट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। और अगर हम बात करें कितने शहरों में आयोजित होगी, तो यह तकरीबन 110 शहरों में आयोजित की जाएगी। 20 भाषाओं में सीटेट की परीक्षा बिगिन होगी, 20 भाषाओं में सीटेट परीक्षा अपनी कंडक्ट करा रहा है और यह 110 शहरों में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, अगर आप अध्यापक बनने का सपना सजाए हुए हैं तो जरूर आप सीटेट क्वालिफाई कीजिए। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल पर जुड़ना है सीटेट और जी हाँ सीटेट और यूपीटेट 2019 के लिए आपको आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर जो कि निशुल्क वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। कैसे? फ्री में भी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जी हाँ, फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। पिछली बार जो सीटेट कंडक्ट हुआ था, आपने अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लेना, जैसे हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वहां पर हर एक वीडियो से कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए और सीटेट का फॉर्म जो है आप बिना देरी करते हुए सही समय पे जो है सही जगह पे जा करके आप अपने फॉर्म को जो भरवा दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि लाल जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।